हुए बच्चों, आज मैं आपको अध्याय 20 चित्रकारी के विषय में बताऊंगी। यहाँ हम चित्रकारी के नाम दिए गए हैं, पहला मुगल पेंटिंग, दूसरा राजपूत पेंटिंग, तीसरा मैसूर पेंटिंग, चौथा पट्टचित्र पेंटिंग, पांचवा बंगाली शैली, छठवां तंजोर पेंटिंग और सातवां मधुबनी पेंटिंग। इन सातों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है आपका मुगल पेंटिंग। मुगल पेंटिंग इस तरह की होती है, यह भारतीय चित्रकारी की विशेष शैली है जिसमें लघु चित्र बनाए जाते हैं। इस शैली का विकास मुगल शासन काल में हुआ। दूसरा है राजपूत पेंटिंग। ये देखिएगा, ये आपका राजपूत पेंटिंग बना हुआ है। यह शैली राजस्थान के राजा रजवाड़ों के दरबार में प्रसिद्ध थी। इन चित्रों में रंग भरने के लिए सीप, पौधों और खनिजों में रंग निकालकर उनका प्रयोग किया जाता है। कई चित्रों में तो चांदी और कीमती पत्थरों का भी प्रयोग किया जाता है। तीसरा है आपका मैसूर पेंटिंग। ये देखिएगा, ये आपका मैसूर पेंटिंग है। चित्रकला की यह शैली दक्षिण भारत के मैसूर शहर में विकसित हुई। इन चित्रों को उनकी सुंदरता, रंगों के अद्भुत संगम और लालित्य के लिए जाना जाता है। चौथा है पट्टचित्र पेंटिंग। पट्टचित्र पेंटिंग में आप क्या करेंगे, यह उड़ीसा की लोक शैली है। पट्टचित्र पेंटिंग देखिएगा, यह उड़ीसा की लोक शैली है। इन चित्रों में पारंपरिक रूप से भगवान जगन्नाथ को दिखाया जाता है। ये पारंपरिक रूप से भगवान जगन्नाथ को दिखाया जाता है, विष्णु भगवान के बड़े भाई। पांचवा है बंगाली शैली। बंगाली शैली 20वीं सदी में अंग्रेजों के राज के समय चित्रकला की इस शैली का विकास हुआ। यह शैली देशभक्ति और राष्ट्रवाद से जुड़ी है। छठा देखिएगा तंजोर पेंटिंग। तंजोर पेंटिंग, ये देखिए तंजोर पेंटिंग, बंगाली पेंटिंग ये है और तंजोर पेंटिंग ये है। यह शैली तमिलनाडु में 9वीं शताब्दी में प्रचलित है। इस समय वहां पर चोला साम्राज्य था। ये कला के पारखी राजा थे। इस शैली के चित्र सुंदरता, चमकीले रंगों और लालित्य के लिए जाने जाते थे। मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग, ये देखिए आपका मधुबनी पेंटिंग इस तरह की होती है। चित्रकला की यह शैली बिहार के मिथिला प्रदेश से है। यह बिहार के मिथिला प्रदेश से है। इस शैली में पूरे कैनवस पर रंग बिखेरे दिए जाते हैं। एक ही कोना बिना रंग के नहीं होता। पूरे चित्र को फूल, पत्तियों, चिड़ियों, जानवरों आदि से भर देते हैं। चित्र में फूलों, जड़ी बूटियों, पत्तियों आदि के प्राकृतिक रंग प्रयोग किए जाते हैं। आइए कुछ हम अन्य चीजें जानते हैं पेंटिंग के बारे में, चित्रकारी के बारे में। तंजीर की चित्रकारी अनूठी है। इनमें अनेक चरण होते हैं। प्रथम चरण में लकड़ी के तख्ते के ऊपर चिपके कपड़े पर चित्र का स्केच बनाया जाता है। फिर उसके ऊपर चाक पाउडर या जिंक ऑक्साइड का घोल लगाकर इसे चिकना किया जाता है। चित्र बनाने के बाद कीमती पत्थरों द्वारा उसे सजाया जाता है। चित्र को सजाने के लिए धागों और फीतों का भी प्रयोग करते हैं। चित्र में सोने के पत्थर चिपकाए जाते हैं और रंग भरने के लिए विशेष प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है। कि इसे आप लोग अपनी कॉपी में चित्रकारी, कुछ चित्रकारी के नाम दिए गए हैं, इन्हें आप अपनी कॉपी में लिख के याद करिएगा और इन चित्रकारी के विषय में आप अपने बुक से पढ़ेंगे और इसको बुक में भी लिखेंगे।